ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो आज हम एक बिल्कुल न्यू वीडियो के साथ आए हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या आपको इस रिश्ते में मूव करना चाहिए या वेट करना चाहिए, अभी क्या एनर्जीज हैं, क्या दिख रहा है फ्रेंड्स। तो आपके रिश्ते की कंबाइंड एनर्जी निकालेंगे और फिर देखेंगे कि आपको मूव करना चाहिए या वेट करना चाहिए। तो एक ये रीडिंग करेंगे, नेक्स्ट हम आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे, ओवरऑल क्या दिख रहा है, क्या करना चाहिए आपको, क्या कार्ड्स बता रहे हैं आपके लिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ आई वेलकम यू ऑल। प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और जो पहले से हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसीलिए आई थिंक मैं हर एक वीडियो में इस चीज़ को बोलती हूँ। आते हैं रीडिंग के ऊपर। तो रीडिंग में जितनी रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा, ज़बरदस्ती कुछ भी अपने ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये कि आप इसे सन और मून साइन दोनों के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये एक तरह से टाइमलेस रीडिंग होती है, जैसे ही आपके सामने आए तो आपके ऊपर लागू होती है। तो ये नहीं है कि मुझे देर से मिली तो ये बहुत पुरानी हो गई है, ऐसा नहीं होता। अगर कोई वीडियो कोई मैसेज आपको मिलता है तो वो आप ही के लिए बना होता है फ्रेंड्स, इसीलिए वो आपके आगे आया होता है, ठीक है। सो अब जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि। सो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, जल्दी से हम आपके रिश्ते की कंबाइंड एनर्जी निकालते हैं, जिसमें देखते हैं कि आप और आपके पार्टनर के बीच में एक रिश्ता कैसा चल रहा है, क्या एनर्जीज हैं आप दोनों की। एस ऑफ कॉइंस, व्हील ऑफ द फॉर्चून, द मून, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आप लोग एक तो पहले लॉन्ग डिस्टेंस में मुझे दिख रहे हैं, हो सकता है एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करके जाना चाहते हो, या एक दूसरी स्टेट में एक दूसरी कंट्री में है, कुछ इस तरह का रिलेशन है सबसे पहली बात। और दोनों में से एक जना जाना चाहता है, एक जना सोचता रहता है कि काश मैं उसके पास चला जाऊँ, किसी तरह मेरी मुलाकात हो जाए, किसी तरह हम दोनों की चीज़ें ठीक हो जाएँ। काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी हैप्पीली आगे के बारे में सोचते हैं। एस ऑफ कॉइन से मुझे न्यू बिगनिंग करने के बारे में अंदर से लगता है, जैसे कि नया कुछ हो, कुछ नया लाइफ में, कोई नई हैप्पीनेस आए दोबारा से, रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग हो। हालांकि बहुत ज़्यादा मन में फियर्स हैं, मन में डाउट्स हैं, मन में बहुत सारी चिंताएँ हैं, मन में बहुत सारे एन्जाइटीज़ चलती रहती हैं, जिससे शायद एक दूसरे को कोई बात आप लोग बताते नहीं हैं। जितने ओपनली आप लोग पहले बात करते थे, बताते थे, झगड़ा तो नहीं कर रहे बट अपने आने वाले वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह मेरा ये वक्त बदल जाए और हमारे बीच में एक हैप्पीनेस दोबारा से आ जाए। सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड नेक्स्ट वी हैव टेन ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा दूसरे को बेवकूफ़ समझता है, या बहुत ज़्यादा उसको हमेशा बनाने की कोशिश करता है, और इसी वजह से रिलेशनशिप जिसमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी वो एक ऐसे दौर पे चला गया जहाँ पे वो बर्डन दिखने लग गया या बर्डन बन गया, जबकि वो ऐसा था नहीं। हाँ, थोड़ी इनसिक्योरिटीज़, प्रॉब्लम्स थी, चिंताएं थी, लेकिन वो शायद इस किसी एक पर्सन की गलती की वजह से या एक पर्सन की चालाकियों की वजह से शायद एक टेस्टिंग पीरियड में या टेस्टिंग वाटर्स को चेक करने लग गया, ठीक है। सो अब मैं ये देखती हूँ कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए। स्कॉर्पियो, क्या डिवाइन आपको क्या कहते हैं। तो देखते हैं, शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन स्कॉर्पियो। सो स्कॉर्पियो को वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर देना चाहिए, क्या कहते हैं डिवाइन स्कॉर्पियो को। सबसे पहला द हर्मेट, थ्री ऑफ कप्स, द लवर्स, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर। सो देखें,
स्कॉर्पियो बहुत ही क्लियर कार्ड्स हैं। अगर तो आपको आपका पार्टनर एटीट्यूड दिखाता है या आपके सामने थर्ड पार्टी लाकर खड़ी कर दिया उसने, तो उस रिलेशनशिप में रुक जाने का कोई मतलब नहीं है। तब वहाँ पर ज़्यादा सोच विचार करने का मतलब नहीं है। अगर आप अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा सोच विचार रहे हैं, थर्ड पार्टी में कोई थर्ड लव इंटरेस्ट है, या बार बार वो अपने परिवार वालों के, दोस्तों के लिए या काम के लिए या किसी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा लड़ रहा है, इतना ज़्यादा आपको जलील कर रहा है, बुरा फील करा रहा है, इस रिलेशनशिप को एंड करने के लिए बोल रहा है, सो ऐसे रिलेशनशिप से मूव ऑन कर देना ही बेटर है। आई वोंट सजेस्ट यू कि आप ऐसी जगह पे ज़बरदस्ती रुके रहें, टिके रहें, खुद को परेशान करते रहें, अपना दिन रात का सुकून ख़त्म कर दें, अपने आप को परेशानियों में डाल दें, अपने आप को स्ट्रेस में डाल दें। देयर इज़ नो पॉइंट। इस हिसाब से आई वुड सजेस्ट कि आपको आगे ही बढ़ना होगा, यही मुझे आपकी कार्ड्स के थ्रू नज़र आ रहा है। सो यू शुड मूव ऑन। अगला देखते हैं कि गाइडेंस क्या है स्कॉर्पियो राशि आपके लिए। सो गाइडेंस देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस क्या है। स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस क्या है? कर्मा रिलीजिंग। तो ये आपका कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ कुछ कर्मा ही था सेट स्कॉर्पियो, और इसी वजह से आपने इतना ज़्यादा सफ़र किया, इतना ज़्यादा आपने एक रिलेशनशिप में भुगता, आपने थर्ड पार्टी देखी, आपने दूसरों की इंटरफेरेंस देखी, लड़ाई झगड़ा देखा, हर समय ये आपको झुकाने की, दबाने की जो कोशिशें थी, अपनी चलाने की कोशिश थी, आपकी बातों को इग्नोर करना, ये सब एक कर्मा था, पैटर्न था। और आप इस प्लीज़ आपको यही कह रहे हैं डिवाइन कि आपको इस ड्रामा से मूव ऑन करना है, और यही मैंने आपको बोला, अपना खुद का पाथ बनाएं, अपना रास्ता बनाएं, लाइफ को क्लियर करें और गुड एनर्जी को आने दें। नेक्स्ट होप का कार्ड है, लव एंड एक्सेप्टेंस। तो जो आपका है वो आपको ही मिलेगा, लेकिन सबसे पहले अपनी खुद की वर्थ को जाने, चूज़ करें लविंग थॉट्स, नेगेटिविटी से खुद को दूर रखें, लाइफ में होप को वापस लेके आए और सब कुछ आपको मिलेगा। सो नेक्स्ट है डिवाइन ऑर्डर। सो डू वट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। तो एक इम्पॉर्टेंट लेसन ज़िंदगी ने आपको सिखाया है स्कॉर्पियो राशि, और उसे सीखें और उसे अपनी लाइफ में उतार लें, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं आपके ये तीन बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब क्या कहते हैं, डिवाइन गाइडेंस हैं, और इन्हें अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें, इनसे कुछ मतलब निकालें और देखें कि कैसे आप कहाँ पर लैक कर रहे हैं और कहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये है आपकी रीडिंग। अगर आप इसे रेजोनेट कर पाए हो तो प्लीज़ मुझे बताना, रीडिंग को लाइक करना और क्लेम करना एनर्जी को, चैनल को सब्सक्राइब करना, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स। सो फॉर दिस बाय फॉर नाउ।